आज बहुत महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग होने जा रही है और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री, उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी हम लोगों के मध्य हैं। भारत सरकार में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हम लोगों के मध्य हैं। वाजपेयी जी हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, वे हम लोगों के मध्य हैं। वाजपेयी जी हमारे जो उत्तर प्रदेश में लोगों को शामिल करने के लिए एक हमारी समिति है उसके प्रमुख हैं। और आज जो महत्वपूर्ण लोग हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं वह हैं प्रोफेसर शिवाकांत ओझा जी। शिवाकांत ओझा जी चार बार विधायक है रहे हैं, कल्याण सिंह जी की सरकार में मंत्री रहे हैं और अखिलेश यादव जी की सरकार में भी वह कैबिनेट मंत्री पर रहे हैं। वह आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग राकेश सचान जी के रूप में हम लोगों के बीच में राकेश सचान जी आज हैं। राकेश सचान जी सांसद रहे हैं, विधायक दो बार विधायक रहे हैं 93 और 2002 में, 2009 से 14 तक सांसद भी रहे हैं। फतेहपुर विधान जो लोकसभा है वहां से रहे हैं। शरदवीर जी भारतीय जनता पार्टी को आज हमारे शामिल हो रहे हैं, हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। आपका भी शरदवीर जी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीन बार के विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, 132 जलालाबाद विधानसभा से आप विधायक हैं, वह भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी और नकवी जी से आग्रह करता हूं कि प्रोफेसर शिवाकांत ओझा जी को पार्टी सदस्यता की पर्ची और उनका पार्टी के अंदर स्वागत करें। मेरा माननीय धर्मेंद्र जी और नकवी जी से आग्रह कि राकेश सचान जी को भी पार्टी की सदस्यता की पर्ची दें और पार्टी के अंदर उनका स्वागत है। बहुत बहुत अभी एक फोटो फोटो करेंगे बाद में सबको, चिंता मत। मेरा अपने माननीय नेताओं से आग्रह है कि शरदवीर जी को भी पार्टी की सदस्यता की पर्ची दें और पार्टी में उनका, शरदवीर जी का बहुत बहुत स्वागत है पार्टी में। मुख्य लिया